गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रिकल पैनल की वायरिंग कैसे की जाती है और उसका की पॉइंट क्या होता है जिससे कि पूरी कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का वायरिंग हो जाता है और उसका इंडिकेशन कैसे होता है। रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप पूरा देखना ताकि एक ही वीडियो में आप पूरा समझ जाओ कि वायरिंग की कैसे जाती है और फिर रूल्स कैसे डिसाइड होते हैं और कौन से MCB, MCCB कहाँ, ELCB क्या लगनी है, वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका जो मेन सोर्स है, जो हम पैनल की वायरिंग करते हैं, वो है अपना ये डायग्राम। ठीक है, अब देखो मेन वर्क उनका होता है जो ये डायग्राम बनाते हैं, यानी कि जब हम कोई भी पैनल वर्क डिजाइन करते हैं, कोई भी पैनल। अभी हमारे पास ये जो आपको ये पैनल दिखाई दे रहा है, इसमें इतने आपको फेरूल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फेरूल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाली फेरूल्स, इस पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो LN लिखा हुआ है ना, तो ये कुछ ना कुछ इनकी आइडेंटिटी है। वैसे ही इस ये जितने भी फेरूल्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक इनकी आइडेंटिटी शो करता है। और वो हमें कहाँ से पता चलता है, कुछ हमें डायग्राम्स दिए जाते हैं। ये मैं एक डायग्राम का सैंपल लिया हूँ आपके सामने। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे यहाँ से लाइन गई। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से इन किया। ठीक है, ये इसका एक टर्मिनल, ये इनके अलग टर्मिनल, ये इनके अलग टर्मिनल। ठीक है, मैं एक जैसे एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि हमारे पास एक डायग्राम आता है ऐसे पैनल का। ठीक है, अब ऐसे पैनल में क्या होते हैं, ऐसे पैनल में ना वो ऑलरेडी ये जहाँ से पैनल आता है, यानी कि जिन्होंने इसका डायग्राम बनाया है ना, वो बता देते हैं कि आपको कितने MPCB लगने। देखो ये जो है ना, ये MPCB है, समझ गए ना, कितने MPCB लगे हैं, कितने आपको कनेक्टर लगाने हैं। ठीक है, कितने एम्पियर के कनेक्टर लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ SMPS लगाना है। ठीक है, कहाँ आपको फ्यूज लगानी है, ये सारी चीज़ें ना उसी डायग्राम में दिया होता है। ठीक है, हमें क्या होता है ना, ये ऐसा पैनल आ गया। अब इस पैनल में, जैसे इस पैनल में आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो इस पैनल में आपको पूरा क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एक ब्लॉक है ना, ऐसे दो तीन ब्लॉक होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की आपके एलिमेंट्स बोल लो, इंस्ट्रूमेंट बोल लो, लगे होते हैं और उनका अलग अलग फीचर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें लगी होती है। जैसे आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या लगा है, MPCB लगा है, वैसे ही यहाँ पे ये टोटल MCB लगे हुए हैं। अब इनका ये देखिए, ये मेन इनकमर की वायर्स हैं, ये आपको दिखाई दिया। फिर ऐसे यहाँ पे SMPS लगा हुआ है, फिर यहाँ पे रिले लगा हुआ है, तो ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना और देखना बातों को। ठीक है, अब क्या होता है कि अपने पास जो ड्राइंग है उसमें तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इस ड्राइंग से अपन शुरू कर दिए वो, मतलब इनकी कनेक्शन करना। ठीक है, अब कनेक्शन के पहले क्या होता है, ये जो फेरूल मैंने आपको बताया ना, ये फेरूल अपने पास होते हैं, इन फेरूल का गुच्छा ऐसा होता है, आपके पास शायद इंडस्ट्री में होगा। अब देखो ये फेरूल पे लिखा होता है नंबर, इस फेरूल पे लिखे होते हैं नंबर्स, ए अल्फ़ाबेट्स A to Z, नंबर्स के भी फेरूल आते हैं और ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक्चुअल में कि ये वायर, सपोज अगर एक GD से वायर आ रहा है तो इस कनेक्टर से, मतलब उस पर ये लिखा होता है कि अगर आपका GD से वायर आ रहा है तो टर्मिनल में 1, 2, 3 पे कनेक्शन होंगे। 1 पे इसका R होगा, उसके बाद R कह रहा हूँ, इसमें तो सिंगल फेज ही होता है, तो इसका फेज होगा, ये न्यूट्रल होगा और ये ग्राउंडिंग के लिए दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है। एज इट इज अपने को उसमें ऐसे ही कनेक्शन कर देने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कनेक्शन कर देने होते हैं, एज इट इज जैसा दिया है वैसा ही कनेक्शन हो जाता है। तो ये होता है बेसिक, जैसे आप एक कोई ड्राइंग ले रहे हो ना, तो उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप ऐसे बेसिक तरीके से काम करोगे। ये लक्स होते हैं जो वायर में लगाया जाता है, जैसे 1mm, 2mm, 3mm के लक्स के साइज होते हैं, जिससे कि आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे प्रॉपर फिट हो। तो ये बेसिक जानकारी थी इलेक्ट्रिकल पैनल की वायरिंग से रिलेटेड। और आपको एडवांस जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, उस पर रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।